दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आ चुका है तुम्हारा भाई लेकर के एक और बहुत ही खतरनाक बहुत ही कमाल वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर के। तो दोस्तों आज का जो स्टेटस होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का स्टेटस होली स्पेशल होने वाला है। दोस्तों आप लोगों ने पावर स्टार पवन सिंह जी का ये गाना तो जरूर सुना होगा। दोस्तों इसी गाने पर हम बनाने वाले हैं जो कि गाइस डीजे स्टेटस होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग अपनी फ़ोटो या किसी का भी फ़ोटो लगा करके वैसा स्टेटस बना सकते हैं जो आपको मैं प्रीव्यू दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो गाइस लाइक कर देना। और चलिए दोस्तों आज का प्रीव्यू हम देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के स्टेटस पर जो आपने देखा है गाइस फोटो के साथ जो सेकी फेट मूविंग है, दोस्तों साथ में जो वीडियो क्लिप है ना होली का वो बहुत ही शानदार बना रहा है स्टेटस को। दोस्तों तो आज के वीडियो में आप भी बना सकते हैं अपनी फोटो को लगा कर किस तरह का कमाल का शानदार स्टेटस। दोस्तों हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप देखना, और दोस्तों इस तरह का कमाल का वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों चलिए आपको हम बताते हैं सारा प्रोसेस। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा सॉन्ग बीट मार्क सेकी फेट नाम का दो लिंक, तो उसको आपको इंपोर्ट कर लेना अपने अलाइट मोशन में। और इंपोर्ट करने के बाद आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको अपना जो अलाइट मोशन है उसको ओपन कर लेना और अपने प्रोजेक्ट में आना, और यहाँ से आपको दिख जाएगा सॉन्ग बीट मार्क और होली का न्यू इफेक्ट। और दोस्तों साथ में आपको वीडियो का क्लिप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जो जी फाइल रहेगा तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है, देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है होली का सॉन्ग बीट मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको सब जगह बीट है, तो बीट के हिसाब से आपको फोटो ऐड करना है। फोटो ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर जहाँ पर वीडियो क्लिप ऐड होगा वहाँ पर आपका वीडियो क्लिप ऐड होगा। तो वीडियो के यानी कि जो बीट मार्क के हिसाब से सभी जगह फोटो ऐड कर लेना है। तो फोटो ऐड करने के लिए आपको प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है, और यहाँ से आपको दे रहा है आपके जो नाम देखा नाम पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैली का सारा फोटो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फोटो जहाँ पे रखे रहेंगे वहाँ से अपनी गैली का फोटो ले सकते हैं। इससे आपको मैं बताता हूँ आप जो यहाँ पर फोटो यूज़ होगा होली वगैरह का, ठीक है, सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर के ले सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देख रहा है आपको थ्रेड पर क्लिक करके फिर कम से पर क्लिक करके इसको फिनिशिंग कर देना, और एप पर क्लिक करके बच्चों भाग को इस तरह से कट कर देना है। दोस्तों आपको सभी जगह फोटो ऐड करना है, मैं फटाफट से फोटो को ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बीट के हिसाब से सभी जगह फोटो ऐड कर दिया है। एंड दोस्तों जहाँ पर वीडियो क्लिप ऐड होगा वहाँ पर हमने छोड़ के रखा है, तो वहाँ पर वीडियो क्लिप ऐड होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कहां पर ऐड होगा। सबसे पहले हम सेक इफेक्ट को लगा लेते हैं। तो गाइस नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है एक नंबर, तो एक नंबर के ऊपर जो फोटो इस फोटो पे आपका इफेक्ट लगेगा, तो आपको बैक करना अपने सेक इफेक्ट में जाना, और यहां पर आपको दिख जाएगा 1 2 3 यानी कि आपको टोटल चार इफेक्ट देखने को मिलने वाला। सबसे पहला इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है और इफेक्ट पर जाना है, थर्ड पर क्लिक करके आपको इस तरह से कॉपी करना है, और कॉपी करके आपको बैक करना है, और बैक करने के बाद आपको अपने सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना, और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा एक नंबर, तो एक नंबर पर जो फोटो होगा आपको इस फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एड वीडियो क्लिप, तो ये हम अभी बाद में लगाएंगे। उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आप दीजिएगा दो नंबर, ठीक है, तो आपको बैक करना है, और यहाँ पर आपको सेकी फेट में आ जाना है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा दूसरा वाला वीडियो, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और इस वीडियो पे इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी करना है, और कॉपी करने आपको बैक करना है, और बैक करने के बाद आपको सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है, ठीक है। आपको सॉन्ग बीट मार्क में आ जाने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आना है, और यहाँ पर आपको दिया जाएगा दो नंबर, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर जाना है और इस फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नंबर, जहाँ तक हमारा दो नंबर मार्क है यहाँ तक से उसके ऊपर सभी फोटो पे हमारा यही वाला ऐड होगा, ठीक है। तो इस फोटो पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लियर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा ये दूसरा वाला इफेक्ट लग चुका है, उसके आगे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया एड वीडियो क्लिप वीडियो टू, तो यहाँ पर दूसरा वीडियो ऐड होगा, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। उसके बाद कैसे यहाँ पर दिख जाएगा तीसरा वाला इफेक्ट, ठीक है, तो आपको सबसे पहले बैक करना है, और बैक में यहाँ पर आपको आ जाना है सेकंड इफेक्ट में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप पहला लगा लिए दूसरा लगा लिए आपको दिख रहा है तीसरा नंबर, ठीक है, तो आपको बैक इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करना है, थर्ड पर क्लियर कॉपी करना है और बैक करना है, करने के बाद आपको आ जाना है अपने होली के बीट मार्क में, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पहला वाला लगा लिया, उसके बाद दूसरा भी लगा लिया, उसके बाद गए से जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है तीसरा नंबर, ठीक है, तो आपको इस फोटो पे क्लिक करना है जो आप लगाए होंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक पेस्ट कर देंगे। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद आप आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको दी जाएगा वीडियो क्लिप, यहाँ पर तीसरा डिवाइड होगा, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। उसके बाद आप एरो पर क्लिक आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दो नंबर, ठीक है, तो आपने दो नंबर अभी कॉपी किया है यहाँ पर, ठीक है, आपने अभी जो दो नंबर अभी कॉपी किया है ना, तो आपको इसी को कॉपी कर लेना है, आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस पेड पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है,
ठीक है गाइस। ये हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा दो की, जो कि यहाँ पर आप आ जाएंगे तो बीट मार्क पे आपका जो है 17-16 यहाँ पर आएंगे तो आपका जो दो नंबर दिख रहा है इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। तो इस फोटो पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है ये हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो आप उधर आप यहाँ तक लास्ट तक हमारा ये दूसरा इफेक्ट है, ठीक है। तो आपको सभी फोटो पर लगाना है तो इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। फिर एरो पर क्लिक करके आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है एक नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पोजिशन पे आना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहला इफेक्ट लगाया है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है गाइस। कॉपी करना आपको फिर से वही उसी पोजीशन पर आ जाना है जहाँ पर हमने आपको एक नंबर छोड़ा था, तो यहाँ पर आई एक नंबर यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देना दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारा पहला इफेक्ट यहाँ पर लग चुका है। फिर आप आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको देता है चार नंबर वाला, ठीक है। तो आपको बैक करना है और बैक करने के बाद आपको न्यू इफेक्ट पर आना और यहाँ से आपको देता है चौथा वाला इफेक्ट, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पे जाना और थर्ड पे क्लियर कॉपी करना है, ठीक है गाइस। कॉपी करना आपको बैक करना और बैक करने के बाद आपको होली के सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है दोस्तों। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद आपको लास्ट पोजीशन पे आना है जो कि हमारा यहाँ पर लास्ट पोजीशन हमारा ये है, ठीक है 22-2 तक। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा गाइस चार नंबर। तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सभी पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। तो आपको फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक कर पेस्ट कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस ये जो हमारा ये वाला इफेक्ट है पूरा लास्ट तक लगने वाला है। तो आप सभी फोटो इसके ऊपर जितने होंगे सब पर आपको लगाना है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और बैक करके आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, थर्ड पे क्लिक कर पेस्ट करना, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सभी इफेक्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पर बचता है जो वीडियो का क्लिप ऐड होगा वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। और गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि आपको प्रीसेट के रूप में मिल सकता है और जिप फाइल के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, आपका डाउनलोड फोल्डर में आएगा तो मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो वीडियो हमारा ये क्लिप है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको क्लिक करना है और आपको थोड़ा सा आगे आना है। आप देख सकते हो जो हमारा वीडियो क्लिप है ये है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो पे आपको क्लिक करना है और मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है और यहाँ से आपको जो तीसरा वाला इस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपको जूम करना है, ठीक है। जूम करने के बाद ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद इसको इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और फिर एरो पे क्लिक करके आपको आगे आ जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फोटो ऐड इफेक्ट ऐड है। फिर आप एरो पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देगा ऐड वीडियो 2। तो आपको प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है और आप देख रहे हैं जो दूसरा वाला हमारा ये वाला आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। हमारा जो दूसरा वाला ये है तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, आप देख सकते हो ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दीजिएगा तो हमारा जो वीडियो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से थर्ड पर क्लिक करके इसको फिर कमरे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। अगर आपका लगता है कि फोटो थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है, आप अगर लगता है कि आपका वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप मूवमेंट ट्रांसफर जाकर के इसको इधर उधर सेट कर सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा आप जो हमारा दूसरा वाला वीडियो ये भी ऐड हो चुका है जो कि हमारा यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक हमारा 13-29 तक है। फिर आप और आगे आएंगे तो यहाँ पर आप दीजिएगा एड वीडियो क्लिप 3, ठीक है। तो आपका 15-17 तक हमारा वीडियो क्लिप ऐड होगा। तो आपको सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना और मीडिया पर जाना और यहाँ से आपको दी जाएगा ये वाला वीडियो, ठीक है। तो आपको गाइस इस वीडियो पे आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला वीडियो इस पर क्लिक करना है और थर्ड पे क्लिक करके फिर थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है गाइस। एरो पे क्लिक करना है, आप देख सकते जो हमारा बचे हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये वाला वीडियो भी ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारा ये वाला इफेक्ट भी ऐड हो चुका है, यानी गाइस हमारा वीडियो भी ऐड हो गया और सारा इफेक्ट भी ऐड हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आज देख सकते हैं गाइस अब इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट करना है दोस्तों। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग में क्लिक करना है, अगर आप इंस्टाग्राम पर शेयर करना है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट करना है दोस्तों। ये मात्र आपका 2 से 3 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं किसी और प्यारे से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले गाइस जय हिंद जय भारत।